चलिए हम लोग आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन में 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसे समझ करके इसका डायग्राम बनाएंगे और फिर इसे सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सपोज दैट एक हमारे पास क्या है, ग्राउंड। ये हमने ग्राउंड ले लिया, ठीक है। अब इस ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, हमने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ये ले लिया। अब इस पॉइंट से एलिवेशन एंगल, किसी टावर का एलिवेशन एंगल, चलिए पहले हम क्या बना लेते हैं, टावर बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, ठीक। इस टावर का एलिवेशन एंगल, एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर की ओर, क्या होता है उन्नयन, एलिवेशन एलिवेट करना, ठीक है। तो यहां पर एलिवेशन एंगल मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। तो इस पे एक इस पॉइंट से हमने इसके टॉप, जो हमारा टॉप है टावर का, वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और किस पॉइंट से देख रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोगों ने देख लिया ए। ये हमारा जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा हो गया, बी पॉइंट। और ये जो इसका टॉप का पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट हो गया, सी पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। अब ये इससे इसके जो हमारा टावर है उससे 30 मीटर दूरी पर है ये पॉइंट। ये जो पॉइंट हमारा है, एक हमने पॉइंट लिया, अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट लिया है जो कि क्या है, 30 मीटर दूर है। किससे 30 मीटर दूर है, इसके फुट से। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 30 मीटर। चलिए आगे देखते हैं, फिर लिखा हुआ है, और एंगल हमारा कितना बन रहा है, 30 डिग्री। एलिवेशन एंगल यानी कि उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री। अब आगे देखते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि जो हमारी टावर की हाइट है, इस हाइट को क्या करना है हमें बता। तो सीधे सीधे हम लोग देखते हैं, हमारे पास अगर ये एंगल थीटा है तो इसके लिए क्या दिया हुआ है, बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाते हैं टैन थीटा। क्या लगाते हैं, टैन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पर एंगल की वैल्यू दी गई है, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 30 डिग्री। हमने ले लिया टैन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसकी लेंथ कितनी दी गई है, h, ठीक है। और ये जो बेस है, इसका बेस कितना है, 30 मीटर का है। कितना मीटर का है, 30 मीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 बराबर h/30। ये h, ये 30 कहाँ गया, एक के साथ मल्टीप्लाई, ये हो गया 30/√3, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, चलिए से ठीक है, इसे हमने क्या लिखा, √3। आगे देखिए, इसको हमने लिखा 3×10 अपॉन में क्या है, √3 बराबर में क्या है, एच। √3 से इसको कैंसिल किया तो एच बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 10√3, और वो भी किसमें, मीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना था, 30 का एक के साथ मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गया, 30। 30 को हमने कन्वर्ट किया 3×10, फिर इसके बाद √3 से हमने इसको डिवाइड किया 3 को, तो कितने टाइम्स गया, √3 टाइम्स। तो यहाँ पर एच बराबर कितना आ जाएगा, 10√3, ठीक है। ये क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं फिर इसके बाद इसे समझेंगे। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कोई हमारी पतंग है, अब यहां पर हमने कोई एक पतंग ले ली, ये हमारी क्या है, पतंग है, जो कि 60 मीटर ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है। कितने ऊपर है, 60 मीटर। तो हमने 60 मीटर ऊपर ग्राउंड से ले, ठीक है, 60 मीटर। ये पतंग क्या हो रही है, उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, यानी कि एक डोरी बनी हुई है पतंग में, इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में ही किसी पॉइंट, मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राउंड में हमने एक पॉइंट ले लिया इस तरीके से, और इस पॉइंट से हमने इसको क्या कर लिया, टाइट करके बांध दिया। जो डोरी है वो इस पॉइंट पर हमने क्या कर दी है, बांध दी, ठीक है।
द इंक्लाइनेशन द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारा उन्नयन कोण है ग्राउंड के साथ, यानी कि जो हमारा एलिवेशन एंगल है वो हमारा कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, कहाँ से ग्राउंड से, यानी ग्राउंड से कितना बन रहा है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि हमको लेंथ की स्ट्रिंग, ये जो हमारा हाइपोटेन्यूस है इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर हमारे पास थीटा दिया गया है, थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री, और एक बार हमारे पास इस एंगल के लिए क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर, इसको हम लोग कितना ले लेते हैं 60 मीटर, और यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है, हाइपोटेन्यूस, तो हम लोग क्या लगाते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। साइन की वैल्यू साइन 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 60, और एच की वैल्यू हमको क्या करनी है 5। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई है, √3/2 इज इक्वल 60/h। एच का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, यहाँ पर, और 2 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, यहाँ पर। तो आगे देखते हैं, एच कहाँ आ गया, यहाँ 60 × 2, और ये √3 कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, नीचे। अब देखिए ऐसा करते हैं, 60 को आपने लिख लिया 3 × 20 × 2 अपॉन में क्या हो गया √3। √3 से इसको काटा, कितने टाइम्स गया, 3 √3 टाइम्स, और 20 × 2 = 40, यानी ये कितना आ गया 40√3। ये इसकी वैल्यू आ गई 5। चाहे तो हम यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट करके एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं, पर कोशिश करें अगर इन्हीं टर्म में आप आंसर दे दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है,